ये तो भाई महाराजा, ये तो किंग खानदान से है, शी इज फ्रॉम किंग फैमिली, तो इसको इतना फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने बोल बोल दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग जा रहे हैं H&M थोड़ा सामान लेने के लिए, और मेरा बहुत मन है स्टारबक्स की आमंड मिल्क कॉफी पीने का। हाँ, आज पिएंगे ना? आज पिएंगे हम कॉफी पीने की बात नहीं है, कॉफी हम कहीं पे भी पी सकते हैं, बट कॉफी में प्रॉब्लम क्या है ना, कॉफी मिलती है मिल्क वाली, और जब इसको और मिल्क मुझे और इसको ना पचता नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो हमें मिल्क वाला कोई प्रोडक्ट ना डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर कुछ तो दिक्कत है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ डेयरी प्रोडक्ट, और मैं ट्राई करता हूँ कि आमंड मिल्क कॉफी मिल जाए। तो आमंड मिल्क कॉफी ना स्टारबक्स पे इजीली मिल जाती है, और अच्छी और टेस्टी होती है। मतलब वो लोग कैसे हैं कि हम मतलब ऐसे प्रमोशन कर रहे हैं, पर हाँ अच्छा वो है ही अच्छा, तो फिर प्रमोशन क्या करें। अगर मतलब नहीं आती पसंद तो वो ऐसे फेंक के दूसरी बना के देते हैं। हाँ, तो दूसरी बात जो कि वेस्ट भी होता है, पर वैसे कभी होता नहीं है कि कोई दूसरी बार जाए, इन केस अगर कोई ऐसा हो कि जिसको कॉफी पसंद ना आए तो वो ऐसा करते हैं। मुझे अगर मौका मिलता है मैं तो स्टारबक्स जाके भाई स्टारबक्स की कॉफी पीता हूं। ओए मेट्रो स्टार्ट हो गई क्या? दिखा, अरे इस मेट्रो स्टार्ट हो गई है मुंबई में, ये साइड की और नई वाली, एकदम नई चमकती है मेट्रो, एकदम नई चमकती है मेट्रो, और वो मेट्रो स्टेशन है। कौन सा वाला है ये ऑटो भी ना? हाँ ये है गोरेगांव वाला, गोरेगांव मेट्रो स्टेशन। हाँ मैंने पहली बार देखी है ना मेट्रो, ये बंद। हाँ अच्छा लग रहा है ना अभी, बन भी गया। आशु बताओ, और देखो स्टेशन, अरे नहीं 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 ट्रायल चल रहा है, वो देखो खाली है, पूरा बंद पड़ा है। अच्छा ट्रायल चल रहा है ये, सॉरी गाइस वो ट्रायल था, क्योंकि स्टेशन चारों तरफ से बंद है, एक बंदा नहीं है ऊपर। हमें 2 घंटे हो गए हैं शॉपिंग करते करते, मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन इस लड़की ने फाइनली 2 घंटे के बाद एक हील चूज की है, ये हील, ये वाली हील, और ये बिल्कुल ही वाहियात हील है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मुझे लगता है कि इसने लेनी तो है नहीं, बस टाइम वेस्ट कर रही है मेरा भी। तुम्हें लेनी है क्या? बकवास, नहीं मुझे लगता नहीं कि हम कुछ लेंगे, हम सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे और घर जाएंगे। बिल्कुल ही गंदी हील है ये, तुम्हें गंदी लग रही है? ये हर रंग की हील कौन लेता है भाई, तुम पागल हो क्या? नियॉन कलर है वो, आशा जल्दी बताओ मैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हील ये, ऐसे जब मैंने उठाई तुमको लेनी है क्या? हाँ जब मैंने उठाई थी तब ओके लग रही है। तुम देखो इस पे मुझे ओके लग रही है, बाकी तुम्हें ट्राई करना, ट्राई कर सकते हो। ब्लैक पे अच्छी लगेगी, बिल्कुल अच्छी हील नहीं है। जब मैंने उठाई तब तुमने बोला कि हाँ ये तो अच्छी है। हाँ ठीक है ना, ओके लग रही है, मतलब वैसे अच्छी लग रही थी, बट डिपेंड करता है पहन क्या रही हो। ऊपर से ब्लैक वाइट हाँ। कितने की है? 2000 की, बिल्कुल गंदी हील है, पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आता, लड़कियाँ कपड़े लेने में इतना टाइम भी लगाती हैं, और जब लेती हैं तो मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं अपनी राय बता रहा हूँ ना कि भाई मेरी राय ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, हो सकता है अच्छा हो, और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोल दिया मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मैं कैसे झूठ बोल दूँ कि मुझे अच्छा लगा, मैं तो बाहर आ गया भाई, करते रहिए अपने आप शॉपिंग। एक तो यार लड़कियों को क्या लेना होता है ना कभी समझ नहीं आया मुझे आज तक, और उनके कलर चॉइस, अभी देखो उसने क्या पहना है, उसके नीचे तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब वो प्रॉपर रेडी होकर आएगी तो मे भी शायद बहुत अच्छा लगे। बहुत कन्फ्यूजिंग है यार लाइफ, कैसे बनाऊंगा व्लॉग में, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना व्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल बोरिंग चीज़ें हो रही हैं। अभी कॉफ़ी पीने जाऊंगा, शायद कॉफ़ी पीते कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए तो आपको भी सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। तो आप लोग भी बोल रहे हो कितने बोरिंग व्लॉग बना रहे हैं। तो अभी हम स्टारबक्स आए, और हमने स्टारबक्स अंदर से आमंड मिल्क कॉफ़ी ऑर्डर की। तो ऑर्डर करने से पहले मैंने जो ऑर्डर ले रही थी लड़की, उसको मैंने दोस्त बना लिया, उसके बाद मैंने ऑर्डर दिया, और वो ना आमंड मिल्क के पैसे ऐड करना भूल गई थी। हाँ तो उसने बोला कि अरे ऐड करने हैं, तो मैंने कहा अरे रहने दो ना, दोस्त किस काम के हुए थे वैसे चौक। तो उसने फिर ऐड नहीं किए, उसने कहा ठीक है आज से हम दोस्त हैं। तो हमें
हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ। देखो क्या होता है ना, ऐसे आप कितने भी रुपये खर्च कर दो लेकिन आपको कहीं ऐसे ना 50-100 रुपये का फ़ायदा होता है तो बड़ी खुशी मिलती है। लोग बोलते हैं ना कि हमें नॉर्मल उसमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े उसमें करनी चाहिए बार्गेनिंग। हमने स्टारबक्स में बार्गेनिंग की है, हमने स्टारबक्स से कितने 100-200 रुपये तो बचा लिए होंगे, खुशी मिलती है अंदर से। बेशक हम आगे जाकर 250 रुपये बर्बाद कर देंगे कहीं फालतू की चीज़ में, लेकिन ऐसे ना थोड़ा बच जाता है तो बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा लगता है। ये अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। ये हमारे हम ऐसे जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना हम लोग सब, चाहे आप कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बोलो जो 50 रुपये बचाने का मज़ा है ना, जो 25 रुपये बचाने का मज़ा है, उसमें एक अलग ही फ़न है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई अंदर से, तुम्हें नहीं हुई खुशी? ये तो भाई महाराजा, ये तो किंग खानदान से, शी इज़ फ्रॉम किंग फैमिली, तो इसको कितना फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है सबको, मैं यही बोलता हूँ कि नताशा की मॉम डैड राजा रानी, तो जैसे इसको ना, दिल की राजा रानी है। इसको ना कभी ना ऐसे ना, दिल की राजा रानी है। इसको ऐसे कभी ना फिल्म के लिए कॉल आती है ना कि मैडम आपको डायरेक्टर को आपसे मिलना है, तो हम लोग ना, हमारा मैनेजर बोलता है, तो हम लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा ना ऐसे डिमांड करते हैं काफ़ी चीज़ की, कि हमें इसको पर्सनल रूम चाहिए, इसको एक और मेकअप आर्टिस्ट, नहीं मेकअप आर्टिस्ट के लिए अलग रूम चाहिए। तो बोलते नहीं इतना नहीं, तो हम बोलते हैं अरे यार वो राजा रानी, उसके मॉम डैड किंग फैमिली से बिलोंग करती है वो। तुमने बोल बोल दी 25,000 का ऑर्डर आ गया, और ये मैं स्टारबक्स पे बहुत पैसे लगते हैं, ये मैं तो खाऊंगा। स्टारबक्स की कॉफ़ी और स्टारबक्स के कुछ खाने का आइटम ले लिया है, और बगल ही बैंक के वहाँ से हमने लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आना इतना महंगा पड़ता है कि आपको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बाहर ही इन्होंने बैंक खोला हुआ है कि कोई आएगा स्टारबक्स से कॉफ़ी लेगा तो बाद में उसको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देखा इस लड़की को खुश करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबू तुमको इतनी महंगी महंगी कॉफ़ियाँ पीनी है? मैं बोला क्यों, कहते 2 कप कॉफ़ी पीऊँगी, वो भी बादाम के दूध वाली। ये दूध भी नॉर्मल नहीं, बादाम का दूध है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है मुझे लाइफ में हर चीज़। पर कोई नहीं, करना पड़ेगा लाइफ। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया उसने, अब मॉल में कॉफ़ी पी रही है। मैंने बहुत कुछ खाया फिर भी पेट भर रहा हूँ। पहाड़ी होने का एक फ़ायदा है, कितना भी खाओ इंसान मोटा नहीं होता, फिट रहता है मोस्टली। कुछ कुछ लोग होते हैं लेकिन 95% जो लोग पहाड़ से होते हैं जीन्स में होता है कि वो कुछ भी खाएं जल्दी मोटे नहीं होते। लकीली मैं उत्तराखंड से हूँ जीन्स में। तो मैं अभी जा रही हूँ सोने, हमारा आज का दिन सिर्फ मॉल में गया, वापस आके मतलब वो कॉफ़ी पी के आके एक दो मीटिंग थी आशीष की, वो उसने की, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ रील्स देखती रही। और एक बार ऐसा होता है ना कि जब फ़ोन पे बैठ जाए तो हम सोचते हैं कि 5 मिनट और वैसे करते करते मुझे 3 घंटे हो गए। तो सडनली फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैंने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया है। फिर मैंने रात को आई थिंक 10 बजे खाना खाया, 10 बजे के बाद फिर मैं दोबारा रील्स देखने बैठ गई, फिर से 2 घंटे हो गए। तो 12 बजे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, तो आपको मिलती हूँ मैं कल। बाय।